हाल देख रहे हो क्या हो रखा है अपनी निम्बस का? बिल्कुल पीछे से चारों तरफ से देखो क्या हाल हो रखा है भाई साहब। आगे से देखो क्या हाल हो रखा है यार, बिचारी को क्या हो गया है। शिट, ये वाली लाइट भी बंद पड़ी हुई है, अब इसको ऑन करके देखते हैं। चलो ऑन तो हो गई, देखते हैं स्टार्ट होगी या नहीं होगी। डैड, हम लोग कैंपर वैन में बिजी क्या हुए, निम्बस की लग गई वाट। अबे यार शिट, ये आपके साथ भी होता है क्या फेस वॉश करते टाइम? एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पेस। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला तो ये कि अपनी निम्बस को ले जाए रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर और वहां पे करा ले बेसिक सर्विस जो लगभग हो जाएगी 2000 रुपए के अंदर। सेकेंड ऑप्शन यह है कि मैं यहां से जाऊं करोल बाग और वहां से लेता हूं मोटिवल का 2050 इंजन ऑयल देन ऑयल फिल्टर, तो वो सर्विस मुझे पड़ेगी लगभग 3000 प्लस में। तो मैं 2000 रुपए खर्चूं या 3000 रुपए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। तो इतनी मशक्कतों के बाद हम लोग पहुंच गए हैं करोल बाग, तो सबसे पहले ले लेते हैं ऑयल फिल्टर। भाई हिमालयन का ऑयल फिल्टर मिल जाएगा BS4। तो पहुंच गया मैं करोल बाग जहां से मेरे को लेना था इंजन ऑयल। तो मैंने सोचा कि मोटिवल के ही डलवाते हैं, जब भी हम लोग हर बार अपनी सर्विस कराते थे मोटिवल का 20W50 डलाते हैं, लेकिन शॉप पर आने के बाद मुझे भैया सजेस्ट कर रहे हैं ब्रूटल। ओके, तो भैया की काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ पे, तो भैया बोल रहे हैं कि आप ये डलवाओ, ये भी सेम मॉड्यूल की तरह है। और जो भैया कह रहे हैं कि मॉड्यूल में कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगती है, इम्पोर्ट ड्यूटी, और ये अपना इंडिया में ही बनता है तो इसीलिए ये थोड़ा सस्ता है, वो महंगा है, बाकी सेम है, भैया पूरी गारंटी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखा हूँ कि ब्रूटल डलवाऊँ या फिर मोटिवल का इंजन ऑयल। तो दो मिनट बाद क्या इस ब्लॉग के एंड में आपको पता ही चल जाएगा कि हम लोग ये डलवाने वाले हैं या फिर मोटिवल। तो करोल बाग आने का एक फ़ायदा और हो गया, एक अंदर से खुशी है क्या बताऊँ आपको। तो मुझे मिले यहाँ पे रूपचंद जी और ये है अपने पास काफ़ी बड़ा पैकेज, मतलब कि सच बताओ इसके अंदर वो चीज़ है जो आप लोग भी वेट कर रहे थे मेरे चैनल पे देखने के लिए। थैंक यू सो मच। एक काम करते हैं अब यहाँ से चलते हैं सीधा घर और बताता हूँ क्या है इसके अंदर। तो मैं आ गया हूँ डोमिनोज के अंदर और थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, तो यहाँ से पैक करके मैं सोच रहा हूँ चलते हैं अंकल जी के घर और लेते हैं उनकी खबर। तो काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सैम भाई ये बाहर का ऊटपटांग मत खाया करो क्योंकि आपकी हेल्थ पहले से और ज़रा बदतर होती जा रही है, आप मोटे भी होते जा रहे हो, तोन भी निकलती जा रही है। यार एक ही तो ज़िंदगी मिली है, अब यहाँ पर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दूँगा तो फिर तो होगी ना हालत ख़राब। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं। सच बताऊं मार्केट में तो था थोड़ी देर का काम, लेकिन यहां से करोल बाग जाना और वहां से वापस आना एक तरीके से एक पूरा वर्ल्ड वॉर झेलने वाली हिसाब किताब हो जाता है। इतना ट्रैफिक रोड पे कि हालत ख़राब हो गई जाने में भी और आने में भी। फिलहाल मैंने इंजन ऑयल परचेस कर लिया है मोटिवल का, सबसे पहले क्लियर कर दूँ नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो मोटिवल का इंजन ऑयल लिया है। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि लास्ट 3 सर्विस से मैं यही डलवा रहा हूँ, मतलब जब तक कंपनी की सर्विस वैलिड थी तो मैंने कंपनी से करवाई, उसके बाद मैं सीधे शिफ्ट हो गया मोटिवल के 20W50 पे, जिससे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल रही थी। अब
सजेस्ट तो किया था भैया ने दूसरी कंपनी का इन्होंने दूसरे ब्रांड का वो, और वो गारंटी भी दे रहे थे, लेकिन यार आपको पता है मार्केट में अभी उसका कोई रिव्यू अवेलेबल नहीं है, और अपन करने वाले इस बार लगभग 6000 किलोमीटर की राइड, तो मेरे को लगा नहीं कि मैं रिस्क लूँ, क्योंकि कहीं भी बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको पता है हिमालयन और हिमालयन के लिए मैकेनिक इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अपना मॉड्यूल भी रहता है, बाकी इन फ्यूचर कभी छोटी मोटी राइड रहेगी अगली सर्विस पे उसको ट्राई कर लेंगे और आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर कर देंगे कि किस तरीके का वो इंजन ऑयल है। और साथ में मैं लेके आया था ऑयल फिल्टर, तो अपना हिमालयन के अंदर 2.5 लीटर डलता है, तो 1.5 लीटर की एक बोतल और 1/2 लीटर की ये 1750 रुपये का ये सामान आया, 110 रुपये का मुझे ऑयल फिल्टर मिला। अब बस अब कल कराते हैं इसकी सर्विस, जो करेंगे अपने भैया अशोक भैया, तो वहाँ चलेंगे इसकी सर्विस कराएंगे। देन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि मैं जाऊँगा कहाँ पे, अंकल जी के घर पे, लेकिन इतने ट्रैफिक में स्कूटर चलाते चलाते मेरी बैक में पेन स्टार्ट हो गया, वही जो लास्ट टाइम गैस्ट्रिक वाला अटैक आया था आप लोगों के साथ शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरे को वापस आना पड़ गया। तो अब कल चलेंगे अपनी हिमालयन की यू नो निम्बस की सर्विस कराने के लिए, तो अंकल जी से भी मिलेंगे, और जो वो ब्लैक पैकेट मिला था, तो जितने भी लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे उन लोगों को पता लग गया होगा कि उस ब्लैक पैकेट के अंदर क्या है, तो यूट्यूब में मैं आपके साथ इससे अगले वाले व्लॉग में शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ होती है, कुछ स्पेशल काम होता है, तो वो स्पेशल तरीके से ही शेयर किया जाता है। तो आज का सिर्फ यही शेड्यूल था, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई आप रेगुलर रहा करो, चाहे 5 मिनट की 4 मिनट की वीडियो बनाया करो। अपने जावेद भाई भी बोलते हैं कि सैम भाई आप रोज़ डालो, क्योंकि एक आदत सी बन गई आपको देखने की, तो मेरी कोशिश रहेगी चाहे मेरा 4 मिनट का व्लॉग बने 5 मिनट का व्लॉग बने, मैं रेगुलर अपडेट रहूँगा और आप लोगों के साथ रोज़ की ज़िंदगी शेयर भी करूँगा। तो चलो इस व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, तो लाइक कर देना, नहीं आया समझ तो डिसलाइक कर देना, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, फिर बाकी जैसी ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, और पीछे देखो भैंस की आँख नज़र आ रही है, तो चलो मिलेंगे अगले व्लॉग में। और एक चीज़ और मैं तो बोलना भूल ही गया, मैं 28 तारीख का मीटअप प्लान कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, तो जितने भाई लोग आ सकते हैं प्लीज़ कॉमेंट करके बता दीजिए। एंड सेकेंड चीज़, मुझे ये भी सजेस्ट कर दीजिए कि इस पैंडेमिक माहौल में अपने को मीटअप करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे भाई लोग और इवन अपने कमेंट करके भी बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि मिलना है मिलना है मिलना है, तो 28 तारीख का मैंने सोचा जो अभी आ रही है 28 तारीख संडे को, तो कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन आ सकता है, ताकि मैं लोकेशन और बाकी अरेंजमेंट कर सकूँ।